आप देख रहे तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा में नशे के तस्करों द्वारा होली में खपाने लाई जा रही नशे की खेप को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने कार की तलाशी में 12 पेटी नशीली कप सिरप बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य मौके से फरार बताए गए हैं। दरअसल यह कार्रवाई कल SP राकेश सिंह के निर्देश पर चोराटा थाना पुलिस ने की है। कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर हवाई पट्टी के समीप घेराबंदी कर कार को पकड़ा गया है। बताया गया कि कार्रवाई के दौरान कार में 3 तस्कर सवार थे, जिनमें से 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए, जबकि डेकाहा निवासी रवि नाम के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि कार की तलाशी के दौरान डिग्गी में नशीले कप सिरप की 12 पेटियां लोड थी, जिसे कार सहित जब्त कर लिया गया है और उसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपये आंकी गई है। बताया गया कि तस्करों द्वारा यह खेप होली के त्यौहार में खपाने के लिए लाई गई थी। फिलहाल मामले में गिरफ्तार आरोपी सहित 2 फरार आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट का अपराध दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सूचना मिली थी कि गोरख आ रही है, तो उसमें स्टाफ द्वारा इसमें कार्यवाही की गई है। अभी इसमें कार्यवाही चल रही है, आपको इसका प्रोसेस पूरा बताया जाएगा। तो सर ये कैसे पता चला? अब मुखबिर सूचना के आधार पे कि ये कोई व्यक्ति कार से इधर चौहटा तरफ से गाड़ी में ले आ रहे हैं, तो घेराबंदी करके पकड़ा गया है। कोई आरोपी भी है? एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, कुछ फरार है।